What's up, you guys? Welcome or welcome back to my YouTube channel. So this is the part two, you guys. The video was getting long. So इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ अपना नायका हॉल एंड आई हैव बॉट अ बंच ऑफ न्यू मेकअप रिलीजेस फ्रॉम इनसाइड, सम हेयर केयर एंड सम यू नो स्किन केयर. सो इट्स अ मिक्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग, बट मेनली आई वॉन्ट टू से यू गाइज, अगर कुछ स्टॉक में बचा हो, वैसे सेल भी थी और वैसे भी इनसाइड के न्यू रिलीजेस हों तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं, तो कुछ मिल रहा हो तो ले लो और वीडियो देख लो एंड तक एंड डिसाइड कर लो. बाकी ऐसे इनसाइड के इतने ज्यादा न्यू रिलीजेस हुए हैं, एक इनसाइड कॉस्मेटिक इनकी कंपनी है, एक प्रो भी है, तो उस हिसाब से मैं बात करने वाली हूँ अभी ना इनसाइड कॉस्मेटिक के न्यू रिलीजेस. तो वो एक बात है, प्रो वाले भी वीडियो धीरे धीरे करके आ जाएंगे, थोड़ा सा प्रो का प्राइस ज्यादा है. सो या एंड जल्दी से स्टार्ट करते हैं ये वीडियो गाइस. और आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पे आए तो हाय, दिस इज अंशु. मुझे मेकअप, स्किन केयर, फैशन ये सब बहुत पसंद है और उसी के अराउंड ये चैनल है. एंड यू नो आई अपलोड ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे, सो यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड आपके लिए इसी तरह के अमेजिंग कंटेंट लाती रहूंगी. एंड ऑल आई नीड इज अ सपोर्ट ऑफ अ सब्सक्राइब, यू नो प्लीज सब्सक्राइब. तो एक एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है. मेरे सब्सक्राइबर लास्ट वीक से रुक गए हैं, तो प्लीज शो मी सम सपोर्ट यू गाइस. एक सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दो और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे. सो या मेक श्योर टू हिट दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो द फर्स्ट प्रोडक्ट इन माई यू नो जो मेरे सामने आ रहा है, मुझे थोड़ा लीन होना पड़ रहा है तो आगे कर लेती हूँ अपनी कार्ट को. एंड स्टूडियो टूर आ रहा है, सो स्टे ट्यून फॉर दिस. सो दिस इज द इनसाइड न्यू काजल और मैंने ये ओपन कर लिया है तो मुझसे रहा नहीं गया यार. ओके, सो दिस इज देयर 8 आवर वाटर प्रूफ नो स्मज लास्ट अप टू 8 आवर ऐसा ऐसा करके कोल. सो बेसिकली ये कोल है बट अमेजिंग शेड रेंज है यू गाइस. देयर इज अ ब्लू एंड मैंने सोचा ब्लू ले लूँ, फिर मैंने सोचा यार कितने ब्लू लूँ, फिर मैंने सोचा ब्राउन ले लूँ, फिर मैंने सोचा ब्राउन भी मेरे पास है. फिर आई मतलब ये सब शेड बिक नहीं रहे थे इतना, बट ये वाला आउट ऑफ स्टॉक, 2 were remaining. मैंने कहा ले ही लेती हूँ यार, मेरे पास ऐसा शेड है नहीं. सो दिस इज द कलर ऑफ काजल, लिटरली दिस इज द कलर ऑफ काजल. कैन यू आई सी? And I think this is good for highlighting as well as, you know. Oh, it's very soft. It got, ये टूट गया है guys, तो बहुत soft है, ज़्यादा मत निकालना मेरी तरह. So it's a nude काजल, nude shade है, skin tone जैसा ही है. And oh my god, so excited to try different looks with it. और आजकल ना एक अलग तरह का काजल trend, liner trend में है, इनविजिबल काजल और समथिंग, मैं वो लुक करके देखूंगी इससे. तो एक्साइटेड टू ट्राई दिस वन आउट. मैंने कभी ऐसा काजल ट्राई नहीं किया और कुछ ब्यूटी ब्लॉगर्स मैंने देखा है वाइट हमेशा लगाते हैं एंड मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया है. ओके, सो नेक्स्ट इज इनसाइड का ये फ्री प्रोडक्ट, तो ये मैं गिव अवे में, मेरे पास ऑलरेडी एक है, आई लव दैट, बट ये बार बार एक ही प्रोडक्ट रख के मैं क्या करूंगी, तो दिखा देती हूँ. सो दिस इज देयर स्टैंडर्ड जो लाइनर होता है ना वो है ये. सो नथिंग फैंसी अबाउट इट एंड बट सही है, मुझे अच्छा लगता है, ईजी है. इफ यू हैव शेकी हैंड्स लाइक मी तो भी लाइनर लग जाएगा, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी. ओके ओके, सो द नेक्स्ट, ये फ्री भी था. नेक्स्ट प्रोडक्ट यू गाइज, आई वॉज सो एक्साइटेड टू ट्राई दिस आउट. मतलब मुझे तो लग रहा था यार क्या कर रहे हैं इनसाइड वाले. सो कैन यू आई सी, दिस इज अ लिप एंड चिक टिंग कलर. दिस इज अ लिप एंड चिक टिंग कलर. आई वॉज लाइक कैसे, लाइक आई लव पर्पल बट हर चीज में पर्पल थोड़ी कुछ आ सकते हैं एंड आई वॉज लाइक ये क्या वाला है, तो ये तो ले लेते हैं. एंड इट वॉज सो अफोर्डेबल यू गाइज, 99 rupees. आर यू किडिंग मी? लाइक दिस इज सो अडोरेबल. लाइक आई डोंट नो मैं इसे कितना यूज करूंगी, वो तो पता पड़ेगा अभी, बिकॉज मैं बहुत प्रैक्टिकल मेकअप करती हूँ. तो या इतना एडिटोरियल मेकअप मैं नहीं करती हूँ, तो ये है. और ऐसा ही एक लिप बाम टाइप का कुछ आया है एंड आई वॉज लाइक कि वो भी ले लूँ क्या, फिर मैंने सोचा यार नेक्स्ट हॉल में दिखा दूंगी वो. तो एंड दिस इज द शेड, दिस इज अ शेड ऑफ लिप एंड चिक टिंट. आई मुझे नहीं समझ में आ रहा यार,
आई एम लाइक इट स्टिल लुक्स पर्पल. ओ माई गॉड, हाउ दिस विल वर्क ऑन माई चीक्स. ओके, लेट्स ट्राई टू ब्लेंड इट. मेरे हाथ पे भी पर्पल ही लग रहा है मुझे तो. मे बी थोड़ा पिंकी पर्पल हो रहा है, तो थोड़ा सा जो ब्राउननेस मेरे स्किन की है उसमें मिक्स होके इट इज बिकमिंग वी कैन से वेरी डार्क पिंक. ओके ओके, आई थिंक दिस शेड कैन वर्क ऑन माई कॉम्प्लेक्शन शायद, बट आई थिंक दिस विल लुक वंडरफुल इफ यू हैव चॉकलेटी स्किन टोन, डार्क डीपर कॉम्प्लेक्शन. आई थिंक दिस विल लुक अमेजिंग ऑन यू. सो ऐसा कुछ ब्लश लेना चाह रहे हो तो गो फॉर इट. एंड मैं ना इसका शेड बताती हूँ, इसका है यूनिकॉर्न स्पार्कल, इस शेड का नाम है. तो दिस इज द शेड, थोड़ा सा टोन डाउन होके ऐसा दिखेगा. इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, लाइक मैं इसको ना बेयर चीक्स पे ही स्वाच करके देखूंगी पहले कि ब्लेंड होके कैसा लगता है. ओके, सो आई एम स्टिल इन शुक. लाइक ऐसे शेड्स इंडिया में तो नहीं देखी, यूएस में बहुत चल रहा है आजकल पर्पल ब्लश, पिंक पाउडर, एंड अब यहाँ भी ये सब देखने मिल रहा है, विच इज प्रिटी इंटरेस्टिंग. ओके, सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अनादर न्यू रिलीज बाय इनसाइड. एंड आई एम लाइक, क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो, इतना ज़्यादा अमेजिंग प्रोडक्ट्स ला रहे हो ना, खरीदने ही पड़ रहे हैं. तो किसकी किसका ड्यूप है ये, गैस करो. थोड़ा सा पॉज करके इस वीडियो को, और बहुत देखा होगा रील्स में, तो देखा ही देखा होगा ये जो सिचुएशन है. दिस जस्ट डिटेल्स फॉर 190 रुपीज. अब तो समझ में आ ही गया होगा ये किसका ड्यूप है. सो मैं उल्टा दिखा रही हूँ. या दिस, कैन यू गाइस गैस किसका ड्यूप लग रहा है ये, इतना तो गैस कर लो यार. एकदम डिक्टो पैकेजिंग, कॉपी पेस्ट है, बट आई एम नॉट कंप्लेनिंग. इस प्राइस में क्या एक्सपेक्ट करोगे. एंड दिस इज क्रीम ब्लश, ऑफ कोर्स दिस इज अ क्रीम ब्लश. सुपर स्टे जो इनकी रेंज है ना, माय फेवरेट रेंज. एंड दिस इज रोज जेली क्रीम ब्लश. रोज जेली इस शेड का नाम है, ठीक है. 10 ग्राम्स ये प्रोडक्ट है. एंड डिक्टो ड्यूब है ग्लॉसिए क्लाउड पेंट, डिक टो ड्यूप इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग. तो आई वॉज लाइक अमेज, लाइक बहुत सही है. एंड आई एम गोइंग टू स्वॉच इट हियर, क्योंकि वहाँ एक ब्लश लगा है ना. तो इट्स वेरी पिगमेंटेड यू गाइज, दिस इज अ न्यूड शेड, लुक एट द पिगमेंट. मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया, बट थोड़ा सा ना मैं दिखाना चाह रही थी कि इतना ज़बरदस्त पिगमेंट इस ब्लश में है. एंड देयर इज लिटरली अ बिग जॉइंट होल देयर, तो कितना ज़्यादा प्रोडक्ट उससे निकल रहा है. दैट आई वॉन्ट टू कंप्लेन विद इनसाइड कि इनने ड्यूब करने के चक्कर में ना पूरा ड्यूब ड्यूब क्यों कर लिया. थोड़ा सा छोटा सा स्पेस बनाना चाहिए था. एंड बहुत ब्लश निकल आएगा और आराम से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड आउट होके, अदरवाइज तो प्रोडक्ट वेस्ट ही हो जाएगा. ठीक है, एंड 10 ग्राम ब्लश विल लास्ट यू अ लॉन्ग वे. और मैं तो इसके और शेड्स लूंगी जो मैंने प्रोडक्ट स्वॉच करके देखा ना, क्योंकि इसका कोई भी वीडियो नहीं होगा. आई थिंक आई एम द फर्स्ट पर्सन जो इसका वीडियो बना रही है. अगर टाइम पे अपलोड कर दूंगी तो आई विल विन दिस रेस. ओके, सो आई विल से दिस इज सच अ गुड फॉर्मूला एंड दिस इज वेरी लॉन्ग वेयरिंग. मैंने ये चीक्स पे अप्लाई करके रख दिया था चेक करने के लिए लॉन्जेविटी. इट इज वेरी लॉन्ग वेयरिंग. आई एम टोटली इम्प्रेस बाय दिस फॉर्मूला. एंड सुपर स्टे रेंज मिस मत करना. यू आर मिसिंग ऑन अ ड्रग स्टोर जैम इफ यू कांट बाय इन टू लग्जरी मेकअप, क्योंकि लग्जरी कुछ प्रोडक्ट्स हैं बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं. एंड लुक एट द पिगमेंट, बहुत पिगमेंट है, सो इम्प्रेसिव, लाइक बहुत अच्छा है. एंड पिगमेंटेड ब्लश चाहिए रहते हैं इंडियन कॉम्प्लेक्शन पे ना दिखाने के लिए. बहुत लाइट लाइट होंगे. समटाइम पीपल कंप्लेन अबाउट पिगमेंट इन ब्लश, क्योंकि वो सफ़ेद हैं, वो वाइट हैं, पर उनको ये सोचना चाहिए कि यू नो इंडियन कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से थोड़ा पिगमेंट ब्लश में होगी तभी चीक्स पे दिखेगा. ओके, सो या मैं भी ऑन कैमरा के लिए थोड़ा ज़्यादा ब्लश लगाती हूँ फॉर कैमरा. ओके, सो या आई एम गोइंग ट्राइंग टू रिमूव दिस. ओ माई गॉड, इट्स वेरी लॉन्ग वेयरिंग फॉर्मूला. आई नो मैंने ट्राई किया है इसे, काफ़ी मुश्किल से छूटता है ये. एंड
ब्लशेस में लॉन्जिविटी का सबको इशू होता है, तो यू कैन ट्राई दिस रेंज आंख बंद करके। बाकी इन डेप्थ रिव्यू आ रहा है, स्टे ट्यून्ड फॉर इनसाइड कॉस्मेटिक के बहुत सारे। इस प्रीवियस वीडियो में भी इनसाइड के प्रोडक्ट थे वो भी, और ये भी एक बड़ा वीडियो आ रहा है इनसाइड का, पूरा फुल फेस कर सकती हूँ मैं नए नए लॉन्चेस से, तो आई थिंक आई माइट डू दैट, लाइक देखते हैं कभी। ओके सो अब जो प्रोजेक्ट्स हैं दे आर फ्रॉम स्पिटन, पर उनके लिए सेपरेट वीडियो क्या बनाना और मैं बात करती हूँ उनकी। सो स्मिटन पे काफ़ी अच्छे डील्स थे, दिवाली है, डील्स हर जगह हैं, एंड आई गॉट दीज प्रोडक्ट्स, इनके बारे में बात करती हूँ। दिस इज मास्किंग, आई थिंक कंपनी का नाम मास्किंग है, फेशियल शीट सैफ्रॉन प्लस सैंडलवुड यूथफुल स्किन बैम्बू शीट मास्क, तो आई थिंक मम्मी को दूंगी मैं ये यूज करने के लिए। एंड दिस इज, मेरे पास जितने भी शीट मास्क है ना, मुझे किसी ना किसी ऑफर में मिले हैं, बाय फ्री में मिले हैं, मैंने कभी खुद से शीट मास्क नहीं परचेज किए, सो दैट्स दैट। थोड़े कॉस्टली मुझे लगते हैं, मुझे लगता है सिरम डेली बेसिस पे लगा लो ना तो वो, बट जो सिरम नहीं लगा सकते हैं वो कर सकते हैं। ओके एंड सो उसके साथ ये दो प्रोडक्ट फ्री थे, तो ये फ्री बीज बता रही हूँ मैं, बट अच्छी खासे फुल मतलब साइज प्रोडक्ट है। गाइस पिलग्रिम का ये टोनर मेरा एम्प्टी आउट हो चुका है, तो ये एक और आ गया, विच इज अ ये, बल्कि दो आ गए, क्योंकि ये मैंने बताती हूँ, तो ये मैंने एक पॉइंट से परचेज किया और ये सेट के साथ था, तो इस हिसाब से। सो इस सेट में ना ये जो स्क्वालिन वाला पिलग्रिम टोनर है विथ कीवी एक्सट्रैक्ट एंड एलोवेरा, तो ये फ्री में था, तो आई हैव अनदर पिलग्रिम टोनर, आई लव पिलग्रिम टोनर्स बाय द वे, और एक फ्री में, तो फ्री वाला है, एक मैंने खुद ट्रायल पॉइंट से लिया था। ओके वनीला वाइज पे इन्हें इतने प्रोडक्ट्स निकाले हैं, मस्ट से प्लम ने ना शार्लेट टिल्बरी जैसा काम किया, जैसे शार्लेट टिल्बरी हर प्रोडक्ट में पिलोटॉक और ये हर प्रोडक्ट में वनीला वाइज। सो बाय द वे अमेजोन पे हाफ रेट में मिल रहे हैं, सो इफ यू वॉन्ट टू बाय देयर फ्रेग्रेंसेस आई विल रिकमेंड, हाईली रिकमेंड। ओके अभी इसके बारे में बात करते हैं, तो दिस इज देयर वनीला वाइब्स ऑयल, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है ये कैसा होगा, एंड वनीला वाइब्स वाली फ्रेग्रेंस है क्या, वाओ तब तो यूज करना बनता है। आई लव, बाय द वे आई लव वनीला वाइब्स, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, रियली रियली नाइस। ओके प्लम के सारे फ्रेग्रेंस मेरे फेवरेट है, मुझे सारे ही वर्जन अच्छे लगे। ओके तो द लास्ट इज दिस जायंट कंडीशनर, एंड मतलब ये बहुत चार पार पॉइंट्स, पांच पॉइंट्स में था शायद, तो आई वॉज लाइक कि इतना फुल साइज, इतना बड़ा भारी भरकम कंडीशनर फ्री में मिल रहा है एक तरह से, लाइक इसका ओरिजिनल प्राइस है 499, और इस तरह के बड़े टोनर ना इसी तरह के प्राइस में आते हैं, तो आई वॉज लाइक ले लेते हैं। दिस इज फॉर एंटी डैंड्रफ हेयर कंट्रोल। ओके तो ये शायद मैं अपने भाई को दे दूँ, यू नो मुझे डैंड्रफ इशू नहीं है, बट दिस इज अ वेरी बिग कंपोनेंट, तो मैंने सोचा ले ही लेती हूँ, बिकॉज दिस इज गुड। ओके मुझे कोई इस ब्रांड का भी कोई आइडिया नहीं है, इट्स रिवोना नेचुरल्स, तो कोई आइडिया नहीं मुझे इस ब्रांड का, स्मिटन की वजह से ये अच्छा होता है, अलग अलग ब्रांड्स के बारे में पता पड़ जाता है। ओके दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो यू गाइज, आई एम ट्राइंग कि मेरे वीडियो बहुत ही लंबे नहीं हो, बिकॉज मुझे नहीं लगता एंड तक कोई टिकता होगा इतना ज़्यादा लंबी भी वीडियोज बनाई थी। सो या अभी ऐसे वीडियोज और आने वाले हैं, बिकॉज इट्स सेल टाइम एंड आई हैव बॉट अमेजिंग स्टफ एंड अ माइक ऑल्सो, आई एम सो एक्साइटेड टू अपग्रेड अ माइक क्वालिटी। ये जो सोनी का इनबिल्ट माइक है ना, मुझे वो ओके ओके लग रहा है, बेटर देन माय प्रीवियस 100 रुपए वाला माइक, आई एम नॉट डिनाइंग दिस, बट मुझे थोड़ा ऑडियो क्वालिटी इम्प्रूव, मुझे लाइट क्वालिटी बहुत, क्योंकि यहाँ सनलाइट आ रही है, सनलाइट इज द बेस्ट लाइट, एंड आई हैव अ बिग रिंग लाइट, आई थिंक इतना काफ़ी है। सो एंड नाउ मुझे लगता है ऑडियो भी इम्प्रूव हो सकता है, तो माइक आ रहा है एंड वॉज अ क्रेजी डील, 86% ऑफ, एंड आई वॉज लाइक हाँ, एंड बहुत लिमिटेड टाइम के लिए वो ऑफर आ रहा था, बट फाइनली आई अवेल इट। बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है जब वो डिस्काउंट डाल के हटा लेते हैं, आई नो। सो दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो, अपकमिंग इज अमेजॉन हॉल
एंड आई हैव बेसिकली शॉप्ड अमेजिंग अमेजिंग डील्स फ्रॉम अमेजोन. लाइक आई एम गोइंग टू डू दैट हॉल. आई एम सो एक्साइटेड एंड आई एम स्टिल वेटिंग फॉर दैट पार्सल. आज आने थे वो पार्सल, कहाँ गए मेरे पार्सल. सो या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो यू गाइस. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल. यू नो इस वीडियो से बहुत आइडिया लगेगा कि क्या मिस आउट नहीं करना है सेल में. और सेल नहीं भी होना, गो फॉर इनसाइड प्रोडक्ट्स. यू विल नॉट रिग्रेट दैट. माई फेवरेट ब्रांड, लाइक वो वीडियो आ रहा है वैसे, यू कैन गेस is inside. One of the favorite brand is inside. So that's pretty much it for this video you guys. I hope you like this video. I hope you find this video helpful. Please like, share, subscribe, and I shall see you next time. Bye.